एक अप्रैल को देश को रोता बिलखता छोड़ गई ये बड़ी एक ट्रेस, पुलिस को बड़े ट्रेन पर शक। आज से ठीक 2 साल पहले देश की एक बड़ी और उभरती एक ट्रेस के निधन ने देश को अपनी मौत की खबर से सन कर दिया था। आज का दिन ही ऐसा है, 1 अप्रैल। देश और दुनिया में इस दिन को प्रैंक डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे में जब 2 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 1 अप्रैल को खबर आई कि प्रत्युषा बनर्जी ने आज सुसाइड कर लिया है, तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। प्रत्युषा बहुत ही छोटी उम्र में वो सब पा चुकी थी जिसके लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। प्रत्युषा की दूसरी वर्षगांठ पर रोती बिलखती दोस्त काम्या ने किया ये खुलासा। आज 2रा साल है जब प्रत्युषा हमारे बीच नहीं है। प्रत्युषा की अकस्मात निधन ने ना सिर्फ उनके फैंस को बल्कि उन्हें जानने वालों को भी बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में प्रत्युषा की बहुत अच्छी दोस्त काम्या ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं पता, लेकिन मुझे न्यायिक पालिका पर पूरा भरोसा है। ऐसा ही बोलते हैं ना, लेकिन ये सब बकवास है। अपनी जान की कद्र करो, क्योंकि आपके अलावा आपकी जान की परवाह कोई नहीं करेगा। लोग भूल जाते हैं और अगर बढ़ जाते हैं। राइट दोइमलेकुरो तातई उन मारक। काम्या की इस पोस्ट से उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्लीज आपको कुछ करना ही है तो मेरी पोस्ट पर श्रद्धांजलि देने से बेहतर घरेलू हिंसा को रोकिए, खुद के लिए लड़िए, बस मारिए मत, क्योंकि आपकी जान बेशकीमती है। याद रखिए, जब आप मरते हैं तो आपके पीछे भी कई लोग मरते हैं। याद दिला दें, प्रत्युषा की मौत के बाद सबसे पहला शक उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज पर गया था। बताया गया था कि राहुल ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रत्युषा ने मौत को गले लगा लिया था। प्रत्युषा की मौत के बाद भी बात सामने आई थी कि राहुल ने एक समय प्रत्युषा को वेश्यावृत्ति में भी धकेलना चाहा था। इन्हीं सब बातों से आहत प्रत्युषा ने अपनी जान दे दी थी। प्रत्युषा की मौत का सदमा देश को इस कदर लगा था कि ना सिर्फ टीवी जगत बल्कि बॉलीवुड के भी दिग्गज सितारे प्रत्युषा की मौत की खबर हजम नहीं कर पा रहे थे। ये दुखद खबर मिलने के बाद सलमान खान से लेकर हेमा मालिनी ने अपना दुख जताया था।